कोर्ट से कई बार फटकार झेलने के बावजूद केंद्र सरकार अपने तोते के लिए पिंजरा खोलने को तैयार नहीं है। सरकार ने सीबीआई की आजादी को लेकर जो हलफनामा दाखिल किया उसमें उसकी पूरी नीयत की पोल खुल गई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई पर जो हलफनामा दायर किया है उसमें आजादी को लेकर सीबीआई डायरेक्टर के तमाम सुझावों को खारिज कर दिया गया है। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने कहा था, डायरेक्टर की नियुक्ति कम से कम 3 साल के लिए हो, सरकार 2 साल से ज्यादा पर राजी नहीं है। सीबीआई डायरेक्टर ने कहा था, नए डायरेक्टर की नियुक्ति में मौजूदा डायरेक्टर के सुझावों को माना जाए। हलफनामे में सरकार ने इस सुझाव को भी खारिज कर दिया। रंजीत सिन्हा ने कहा कि डायरेक्टर उसी अधिकारी को बनाया जाए जिसे पहले सीबीआई में काम का अनुभव हो। सरकार इससे भी सहमत नहीं है। सीबीआई के किसी अधिकारी को हटाने के लिए सिलेक्शन कमेटी की सहमति जरूरी हो, लेकिन सरकार ने कोर्ट में कहा कि कोई भी अधिकारी राष्ट्रपति और सीबीसी के सुझाव पर हटाया जाएगा। सीबीआई की मांग थी कि रिटायरमेंट के बाद सीबीआई चीफ को कोई दूसरा काम न दिया जाए। सरकार इस पर चुप है, लेकिन बीजेपी को सीबीआई डायरेक्टर की ये मांग मंजूर है। अनुसंधान के मामले में सीबीआई को सहायता मिलनी चाहिए, सीबीआई के निदेशक को सिक्योरिटी ऑफ टर्म मिलना चाहिए और रिटायरमेंट के बाद कोई पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलना चाहिए। यतेंद्र शर्मा के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।